वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तो हमारा सेशन लाइव हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं स्क्रीन मिल जी पहले आपको। ओके, है। यस सर। तो हमने कल डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा अरे का इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर अरे डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट हम लीटकोड के क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है पुराने लेक्चर में, या कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर यस सर। दिस इज माय फर्स्ट सेशन, तो डिड आई मिस समथिंग लाइक एक सेशन इन योर सर्विस का? जी सर, अभी इसकी एक ही क्लास हुई है, हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया, क्वेश्चन आंसर ही थे। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर रिकॉर्डिंग देख के कुछ ना समझ आए तो आप फर्दर मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ भी हमने ज़्यादा कवर नहीं किया था, बस इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, तो आप वो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। हमने स्लैक चैनल में सेंड कर दी हुई है, मतलब रिकॉर्डिंग्स वगैरह, ठीक है। वेरी ओके, अच्छा। तो मैंने ना एक गिटहब रेपो बनाई थी, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे लिंक भी सेंड कर दिया था, 1 मिनट। तो यहाँ पे ना जो भी मतलब वो जो लिंक्स होंगे उसके DSA की शीट्स वगैरह, मतलब जो ये अब जी जी ये जो स्लाइड्स थी, ठीक है। तो ऐसे जो स्लाइड्स के लिंक होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेंगे। साथ ही आपको फेसबुक की रिकॉर्डिंग का भी लिंक मिल जाया करेगा। इसके अलावा हमने रिकॉर्डिंग का मैंने अलहदा भी बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने लिंक सेंड कर दिया वहाँ पे पेनर चैनल में। तो हम अरे डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अरे डाटा स्ट्रक्चर है ना, हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो एन अरे इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अरे हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, बूलियन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स के मतलब स्टोर हो रहे होते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास मतलब सिर्फ इंटीजर टाइप्स का अरे के अंदर होता है, लेकिन हम पाइथन में लिस्ट को देख रहे होते हैं, तो लिस्ट में हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रहे होते हैं। मतलब हम हमारे पास सिंपल वो अरे ही होती है, जैसे हमारे पास अरे डिक्लेयर हो रही होती है ना, वैसे ही हमारे पास वो डिक्लेयर हो रही होती है, लेकिन हम उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होल्ड कर सकते हैं। लाइक एक ही टाइम पे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, एक ही टाइम पे हम न्यूमेरिकल डेटा भी कर सकते हैं, बूलियन डेटा भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है इट होल्ड अप टू एन आइटम्स, मतलब जितने उसके अंदर हम आइटम्स, हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर कितने आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं कि वाई वी यूज अरे, कि हम अरे को क्यों यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने अब एक क्लास का डेटा है, ठीक है। एक क्लास का डेटा, उसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स है आप कह लो। अब हमने 70 स्टूडेंट्स के ना नेम स्टोर करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम वेरिएबल्स बनाए अलग अलग, S1 फिर S2, मतलब किसी और वेरिएबल, उसके अंदर हम रखें सारे स्टूडेंट्स के नाम। जी मैम सायरा, आपका हैंड रेज है। सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। श्योर मैम। ओके, तो हम देखते हैं कि वाई वो यूज अरेज, कि हम अरे को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अरे हमारे पास ना एक लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर आपने मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी भी एक्सप्लोर की है, तो उसके अंदर हमारे पास अरे होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल का नाम नेम बन रहा होता है। लेट्स सपोज मैंने एक स्टूडेंट्स के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम से। और उसके अंदर अब मैंने ना स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं। तो अब मैं इसके अंदर मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं 70 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 70 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कर सकता हूँ, 30 40 जितने भी। तो अरे हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब ये देखें, हमने 70 स्टूडेंट्स के जो नेम है वो हमने सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल नेम के नीचे स्टोर कर लिया। अब लेट्स सपोज हमारे पास अरे ना होती, मेरे इन 70 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने थे, तो मैं क्या करता, मैं एक वेरिएबल बनाया S1 के नाम से, उसके अंदर पहला नाम रख रहा हूँ अरहम, फिर उसके बाद S2 के नाम से बनाया, जिसके अंदर मैं अब रख रहा हूँ मोहम्मद, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ऐसे 70 वेरिएबल्स बनने थे और ये इनकी मेमोरी लगनी थी, तो मतलब हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो नहीं बनना था। तो अरे हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है एक सिंगल वेरिएबल नेम के नीचे, ठीक है। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं।
के हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है, कि हम एलिमेंट्स को एरे के अंदर एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एलिमेंट्स का। अच्छा, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई है, ये मैंने ए आर आर के नाम से एरे बना ली है, और मैंने इसके अंदर ना कुछ एलिमेंट्स स्टोर कर दिए, लेट्स सपोज 1, 2 और 3, ठीक है, तो ये मैंने स्टोर कर दिए। तो जो ये एलिमेंट्स है ना, मतलब जो ये इसके अंदर वैल्यू इंटीजर्स या कोई भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, हम इनको एलिमेंट्स ऑफ एरे कहते हैं, ठीक है, हम इनको एलिमेंट्स कह रहे होते हैं। तो अब बात ये है कि हम जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैम रीमा का, कि हम अरे के अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल, हम अरे के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, बूलियन कर सकते हैं, मतलब कोई भी डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं अरे के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करें। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एलिमेंट्स, हमने देखना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक अरे बनाई है, तो अरे के अंदर जो ये पीसेस पड़े होते हैं ना, मतलब ये जो वेरिएबल, ये जो इसके अंदर कोई भी सामान पड़ा हुआ, इसको हम एलिमेंट्स ऑफ अरे कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अरे के अंदर ना ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1, 2 और 3। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ना मुझे 2 चाहिए, तो मैं मतलब 2 कैसे प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता क्या है, हमारे पास ना यहाँ पे जो अरे का इन हमारे पास ना अरे के अंदर इंडेक्सिंग हो रही होती है। अच्छा, अब इंडेक्सिंग कैसे हो रही होती है? इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये, अब लेट्स सपोज हमारे पास ये अरे है ना, अब इसके अंदर ये हमारे पास 2 एलिमेंट पड़ा है, हमारे पास 8 पड़ा है, 7 पड़ा है, 6 पड़ा है, 0 पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट पड़े हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, राइट, हमारे पास 5 एलिमेंट्स पड़े हैं। लेकिन अब मैंने यहाँ से 2 एलिमेंट को लेना है ना, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा कि ए आर आर जो हमारे मतलब 1 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो इंडेक्सिंग है ना, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही होती है। 0 से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट हो रही होती है और एन माइनस 1 तक जा रही होती है, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एन माइनस 1 का क्या मतलब है? एन माइनस 1 का मतलब ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्लियर करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से पहले ये स्लाइड पहले आनी थी, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, फिर हम वहाँ पे वापस चलते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है अरे कैपेसिटी और एक होती है अरे लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अरे लेंथ क्या होती है। अब लेट्स सपोज आप में से कोई बताएगा कि इस अरे के अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने पड़े हुए हैं, एनिमल? सिक्स, सिक्स एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास इस अरे के अंदर पड़े होंगे ना, वो उसकी लेंथ होती है। अब लेट्स सपोज हमारे पास इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो जो इस अरे की लेंथ होगी ना, वो हमारे पास 6 होगी, ये बात क्लियर होगी हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अरे कैपेसिटी क्या होती है? अरे कैपेसिटी ये होती है कि एक हमारे पास जो अरे है, वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होल्ड कर सकती है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है ना, ये देखो कि यहाँ पे अरे के अंदर सिर्फ 6 एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट्स तो स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 7 एलिमेंट्स स्टोर नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ 6 एलिमेंट्स ही आने हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, 6 से कम आ सकते हैं। ये हम दूसरी लैंग्वेजेस में कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज सी प्लस प्लस या जावा में, लेकिन पाइथन में ऐसा सीन नहीं होता, हम यहाँ पे लिस्ट के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटी को स्पेसिफाई नहीं करते। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ इसी स्लाइड पे। अच्छा, अब आप में से कोई बताएगा कि इस अरे की क्या लेंथ है, एनीवन? फाइव सर फाइव 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 सर हाँ फाइव एग्जैक्टली। तो जो इस अरे की लेंथ है ना, वो हमारे पास है 5, ठीक है। तो अब जो हमारे पास, आपको पता है कि जो हमारे पास इंडेक्सिंग हो रही होती है, वो हमारे पास कहाँ से शुरू होती है, 0 से। अब यहाँ से मैं 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करूंगा, 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे मेंशन है कि वो एन माइनस 1 तक जाएगी। अच्छा, अब एन का क्या मतलब है? एन एन का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ अरे, मतलब जितनी भी लेंथ होगी ना अरे की, उसके अंदर से 1 माइनस कर लो, इंडेक्सिंग वहां तक जाएगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे, तो जब हमने 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, ये तो कॉमन है कि जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो मतलब एन माइनस 1 तक जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं इस स्लाइड पे वापस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस अरे के अंदर 6 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, राइट। लेकिन जो जो इसकी इंडेक्सिंग है, आप मुझे कोई बता सकते हैं कि वो कहाँ तक जाएगी? 5 तक सर, 6 माइनस 1 फाइव सर, का एन माइनस वन सर सर एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि तो ये हमारे पास जाएगी एन माइनस 1 तक, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्सिंग हो रही होगी, वो होगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको?
ये आगे बहुत यूज होनी है इंडेक्सिंग वगैरह, हम इंडेक्सिंग के साथ ही काम कर रहे हो ना। ओके तो यस सर, हम आगे क्लियर है। चलते हैं, ठीक है हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रे। हमारे पास टिपिकली जो टाइप्स ऑफ रे है ना, वो हमारे पास थ्री टाइप्स की रे होती है। एक होती है वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, एक होती है टू डायमेंशनल एरे, और एक होती है थ्री डायमेंशनल एरे। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वन डायमेंशनल क्या होती है, टू क्या होती है, और थ्री क्या होती है। ओके तो हम आगे चलते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, तो जो हमारे पास वन डायमेंशनल एरे होती है ना, वो आप कह सकते हो कि हमारे पास सिंपल एरे होती है। मतलब उसके अंदर एक डायमेंशन होती है। एक डायमेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स जो आएंगे ना, वो मतलब स्ट्रेट आएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है ना, वो हमारे पास वन वन बाय वन आ रहे होते हैं। मतलब इस अरे के अंदर सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं और कोई अरे नहीं होती। ये किसी का माइक ऑन है तो वो ऑफ कर ले, ठीक है। अच्छा, तो हम वन डायमेंशनल अरे को ऐसे ले सकते हैं कि जो हाँ सर, आई थिंक वो एक पार्टिसिपेंट का, वो जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनका साउंड आ रहा है, मैं ऑफ करता हूँ। ओके तो जो हमारे पास वन वन डायमेंशनल एरे है ना, ठीक है, वो आप ये कह सकते हो कि वो हमारे पास सिंपल एक अरे होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे बन गई, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। लेट्स सपोज वन टू या कोई भी रैंडम एलिमेंट अभी आप लगा ले, मतलब इस अरे के अंदर कोई दूसरी अरे नहीं होती, ठीक है, ये आप इसको सिंपल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो टू जो टू डायमेंशनल एरे होती है ना, वो हमारे पास होती है, अगर हम उसको सिंपल वर्डिंग्स में देखें ना, तो आप ये कह सकते हो अरे इन अरे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अब लेट्स सपोज मैंने ये एक अरे बनाई है, ठीक है, ये मेरे पास एक मिनट, ये मैंने एक अरे बनाई हुई है, ये मेरे पास एक अरे बन गई है। अब इसके अंदर मेरे पास फिर अरे बन रही है। अब मेरे पास यहाँ पे इस अरे के अंदर वन ये एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट रे बन रही है, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हो ये हमारे पास एक अरे बनी है, ठीक है, और फिर उस अरे के अंदर हमारे पास अरेस बन रही है, राइट, आप देख सकते हैं। तो आप टू डायमेंशनल अरे को सिंपल वर्डिंग में ये ले सकते हो कि अरे इन अरे, मतलब अरे के अंदर हमारे पास अरेस बन रही होती है, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग भी हम ऐसी होती है। हम आगे जाके जब टू डी अरे के क्वेश्चंस करेंगे, हम पहले देखेंगे कि इसकी इंडेक्सिंग वगैरह कैसे होती है, और हम कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, कैसे इसके ऊपर लूप चला रहे होते हैं। अभी के लिए आप ये ले सकते हो। तो जो टू डायमेंशनल अरे होती है ना, वो हमारे पास अरे इन अरे होती है। अब लेट्स सपोज ये मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास एक अरे बन गई, उसके अंदर फिर हमारे पास अरेस आ रही होती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है टू डायमेंशनल अरे। ओके, मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है थ्री डायमेंशनल अरे। तो अब हमारे पास जो थ्री डायमेंशनल एरे होते हैं ना, अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग्स में देखें, ज्यादा इसको हम मैट्रिसेस फॉर्म में ना देखें, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा यूज भी नहीं हो रही होती, लेकिन ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। थ्री डायमेंशनल भी एरे आ जाती है, फिर फोर डायमेंशनल भी आ जाती है, फाइव डायमेंशनल भी आ जाती है। तो थ्री डायमेंशनल एरे आप ये कह सकते हो कि अरे, ये हमारे पास एक अरे बनी है, इसके अंदर हमारे पास फिर अरे आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास एक अरे आ गई है, और इसके अंदर हमारे पास फिर अरे आ रही है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि एक अरे बनी है, उसके अंदर फिर अरे, और उसके अंदर फिर आगे अरे, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल अरे है। ऐसे फिर आप आगे डायमेंशन के अंदर जाते रहते हो। ये हमारे पास बिल्कुल भी लीट कोड के क्वेश्चन में थ्री डायमेंशनल अरे बिल्कुल भी यूज नहीं होती। कोई रेयर चांस है कि कोई एक आधा क्वेश्चन इसका हो, लेकिन ज्यादातर हम वन डी अरे के साथ और टू डी अरे के साथ ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास ज्यादा यूज हो रही होती है आगे मशीन लर्निंग वगैरह में, जब हम टेंसर्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस इन अरे, ठीक है, कि हमारे पास अरे के अंदर बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक पहले किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर मुझे ना 1D एरे और 2D एरे में ना डिफरेंस बताएं। जी, अच्छा, जो हमारे पास वन डी अरे होते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज जैसे हमारे पास सिंपल अरे क्रिएट हो रही होती है ना, अगर हम इसको मैं सिंपल वर्टेक्स में बताऊं, तो या ये हमारे पास सिंपल अरे क्रिएट होगी, इसके अंदर एलिमेंट्स आ गए। लेकिन जो टू डी अरे होती है ना, उसकी वो अरे इन अरे होती है, मतलब अरे होती है और उसके अंदर फिर आगे अरे क्रिएट हो रही होती है, और फिर उस अरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। इन सिंपल वर्डिंग से आप इसको ये देख सकते हैं, मतलब सर आप इसको ये कह सकते। जी जी अच्छा, सर इसके आप अगर आप थ्री इसको बिल्कुल डिमेंशनल जी को दोबारा रिपीट कर दें। जी अच्छा, वन डायमेंशनल अरे को आप ये देख सकते हैं कि वन डायमेंशनल अरे के अंदर ना हमारे पास सिर्फ एक रो होती है, ठीक है। मतलब अब लेट्स सपोज हमारे पास वन थ्री फोर फाइव ये आ गया,
अच्छा आपको रो और कॉलम का पता है, ये हमारे पास रो होती है, ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास वन डायमेंशनल अरे होती है ना, उसके अंदर हमारे पास ये तो पक्का है कि सिर्फ एक रो ही होनी है, मतलब एक रो से ज्यादा रोस नहीं हो सकती, ठीक है। और हमारे पास कॉलम्स हो सकते हैं, लेट्स सपोज एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। लेकिन जो हमारे पास 2D अरे होती है ना, उसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा रोस होती हैं और कॉलम्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये देखें, ये एक रो बन रही है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग्स में देखें। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा जी सर, अगर एक रो में अगर मतलब अरे विद इन एन अरे हो तो वो इज इट अ टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल? अच्छा, तो अरे इन अरे हो तो हमारे पास 2D होती है, ठीक है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जैसे ही हमारे पास अरे के अंदर एक और अरे आ जानी है ना, मतलब उसके अंदर और अरे आ जानी, तो वो हमारे पास 2D बन जानी। नहीं, अगर सिंगल रो में होगी सर। लेट्स सपोज हमारे पास ये अरे है, ठीक है, और ये हमारे पास फिर अरे के अंदर अरे आ गई है, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अरे के अंदर जब अरे आ गई ना, तो हमारे पास 2D में चल जानी है। लेकिन अगर इसको मैंने वैसे ही सिंपल वर्डिंग्स में बताना के लिए आपको ये बताया था कि सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक रो होती है वन डायमेंशनल अरे में, और मतलब यहाँ पे अंदर हमारे पास और डिफरेंट अरेस नहीं होती, मतलब सिंपल हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। और जी आप बिल्कुल 2D अरे को मैट्रिक्स कह सकती हैं, ठीक है, 3D को भी आप कह सकती हैं मैट्रिक्स। तो जैसे ही हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे ना, तो आपको ये और मजीद क्लियर हो जाएगा कि 2D क्या होती है, 1D क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए आप ये कह रहे हैं कि 2D अरे के अंदर अरे इन अरे होती है, और 1D हमारे पास जो सिंपल अरे जैसे होती है, ठीक है। सर कंफ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुई है जब आपने कहा है कि 2D में सर एक से ज्यादा रोज या कॉलम हो सकते हैं, तो अगर एक रो में सर विद इन अ जो है वो विद इन एन अरे एक और अरे है, तो फिर वो सर 2D होगी या 1D होगी? सर मैं कुछ वो ऐड करना टू डी चाहूँ। होगी जैसी श्योर सर, एक्चुअली सर आप जैसे ही हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी सबको। ऐसे तो बिल्कुल वो नहीं हो पा रहा ना, जी जैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे ना रो एंड कॉलम्स के साथ, तो मतलब जीरो इंडेक्स के ऊपर जीरो कॉलम, तो देन डेफिनेटली इंशाल्लाह सब जी समझेंगे। सर, जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो एरे की एलिमेंट्स की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है या उसको हम वो कर सकते हैं? अच्छा, जो अरे की एलिमेंट्स की लेंथ होती है ना, वो हमारे पास फिक्स होती है, लेकिन पाइथन के अंदर लिस्ट होती है, ठीक है। तो लिस्ट हमारे पास डायनेमिक होती है, मतलब हम उसकी लेंथ को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि हम इंडेक्सिंग 2D अरे में कैसे करते हैं। तो जब हमारे पास आगे 2D अरे के क्वेश्चन आएंगे ना, जब उसका टॉपिक आएगा, तो हम इन सबको इन डेप्थ कवर करेंगे कि हमारे पास कैसे होता है, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक ऑपरेशंस इन अरे, ठीक है, कि हमारे पास अरे के अंदर बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना अरे के अंदर, वो हमारे पास ये 5 होते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रैवर्स क्या होता है? ट्रैवर्स ये होता है कि हम अपनी पूरी अरे के ऊपर, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक अरे है, इसके अंदर अभी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1, 2 और 3, ठीक है। ट्रैवर्स का मतलब आप ट्रैवल करना भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हम अपने अरे के ऊपर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और वन बाय वन हम एलिमेंट्स के ऊपर जा रहे होते हैं और उन एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ट्रेवर्स। तो आप उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्शन। अच्छा, इंसर्शन का मतलब ये है कि एड एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक अरे बनी हुई है, ठीक है, आपको पता है कि ये हमारे पास एक 0 इंडेक्स है, ये मेरे पास 1 इंडेक्स है, ये मेरे पास 2 इंडेक्स, राइट। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स पर ना लेट्स सपोज 4 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे 1 इंडेक्स पर 4 आ जाए और ये खुद ब खुद आगे मूव करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो, हमारे पास डॉट इंसर्ट का मेथड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं और अपनी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी अरे के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंसर्शन के और भी मेथड्स हैं, अपेंड का है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने मतलब पाइथन वगैरह पढ़ी हुई तो आपको आते होंगे, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन में जाएंगे ना, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आता है डिलीशन, मतलब अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 0, 1, 2 पड़े हुए हैं, मैंने यहाँ से 2 को रिमूव करना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो भी मैं मतलब एक हमारे पास डॉट रिमूव का भी मेथड होता है। उसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे ट्रेवर्स कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 मिलता है, तो आप उसको मतलब हटा दो, स्किप कर दो, तो और भी हमारे पास मेथड हो सकते हैं। अभी के लिए आप ये लिख सकते हैं कि डिलीशन हमारे पास क्या करता है, हमारे पास मतलब अरे के अंदर से किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, उसके बाद आता है सर्च।
सर्च का मतलब ये है कि अब लेट्स सपोज हमारे पास ये अरे है 0 1 2 3 1 2 3। अब मैंने यहाँ से ना 3 को फाइंड करना है, मतलब मुझे एक टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है 3। वो कह रहे हैं कि आपने 3 को ना इस अरे के अंदर फाइंड करना है कि वो किस इंडेक्स पर है। अब मैं क्या करूँगा, किसी के माइंड में कोई आ रहा है कि मैंने 3 को फाइंड करना है इस अरे के अंदर से, मैं कैसे करूँगा? एनीवन? सर ट्रेवर्स करेंगे। जी बिल्कुल, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे अरे के ऊपर, ठीक है, हम वन बाय वन इसके ऊपर ट्रैवर्स करेंगे और इस एलिमेंट को हम चेक करते रहेंगे क्या ये इस एलिमेंट के इक्वल है। अगर इक्वल है तो मतलब जो भी हमारी आगे स्टेटमेंट होगी कि ट्रू रिटर्न करना है या इंडेक्स करना है या अपने एलिमेंट को प्रिंट करना है, मतलब जो भी हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम उसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अपडेट। अच्छा, अपडेट क्या होता है? अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 पड़ा हुआ है अरे के अंदर, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कहता हूँ कि 1 अपडेट हो जाए, मतलब 1 की जगह यहाँ पे आ जाए 4। अब मैं यहाँ पे कुछ इन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं अपडेट कर रहा हूँ 1 को 4 के साथ, तो वहां पे हमारे पास अपडेट यूज हो रहा होता है। अच्छा, तो क्लियर है सबको? ओके, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अरे इंसर्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो अरे इंसर्शन होती है वो हमारे पास इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन अरे, ठीक है, मतलब जो हमारे पास इंसर्शन का मेथड है वो हमारे पास अरे के अंदर एक न्यू एलिमेंट को डालने के लिए यूज होता है, इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक अरे थी 7 एलिमेंट्स की, मैंने 8 को मतलब इंसर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं इसका इंडेक्स स्पेसिफाई कर दूंगा कि आपने इस इंडेक्स पर 8 को इंसर्ट करना है, तो वो यहाँ पे उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल इंसर्ट का मेथड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अरे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास भी मतलब वही इंसर्ट का मेथड यूज हो रहा होता है। मैं यहाँ पे मतलब कह लो कि मैं 0 स्पेसिफाई करता हूँ कि आपने 0 इंडेक्स पर क्या पुट करना है, आपने 8 पुट करना है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पर जब 8 आएगा तो जाहिर सी बात है जो बाकी इंडेक्सिंग है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक वही कंसेप्ट है इंसर्ट वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अच्छा जैसे ही मैं मतलब थोड़ा सा भी तेज हूँ या आपको लगे कि हम सर तेज पर आ रहे हैं तो आपने वहाँ पे बता देना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब मैंने एक दफा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब हमारे पास ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया है, इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट एट एनी गिवन इंडेक्स ऑफ द अरे, वो भी वही चीज आ गई कि मैंने जब यहाँ पे एक गिवन इंडेक्स पर पुट किया है तो बाकी इंडेक्स खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले इंसर्ट के मेथड में बताया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है अरे डिलीशन। अच्छा, अब ये हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अब लेट्स सपोज मेरे पास ये एक अरे है, ठीक है, ये मेरे पास एक अरे है समझ ले। अब मैंने यहाँ से 5 को रिमूव करना है। अब मैंने यहाँ से जब 5 को उठा के एक डस्टबिन में फेंक दिया है, अब मेरे पास यहाँ से 5 भी खत्म हो गया, 5 का वजूद भी खत्म हो गया, जो 5 का इंडेक्स था। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि 5 का क्या इंडेक्स था? एनीवन? फोर से फोर। फोर फोर, फोर 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 बिल्कुल। तो जो हमारे पास इसका 4 इंडेक्स है वो भी इस टाइम खाली हो गया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स होंगे ना वो खुद ब खुद यहाँ पे पीछे पीछे मतलब एक एक सब पीछे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ से 5 जैसे खत्म हुआ, उसका वजूद खत्म हुआ, 6 उसकी जगह पे आ गया, 7 6 की जगह पे और 8 7 की जगह पे, तो ये हमारे पास अरे डिलीशन होती है, ठीक है। सर, अच्छा, हम तो उसके डिलीट पास हमारे कैसे पास करेंगे आती, सर? अच्छा तो हमारे पास काफी इसके मेथड्स होते हैं कि मतलब हम यहाँ पे अरे के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास एक टारगेट एलिमेंट होगा 5 का, हम 5 को मैच करेंगे कि जैसे 5 किसी भी एलिमेंट के साथ मैच होता है तो क्या करो, आप इसको मतलब स्किप कर दो, आगे चले जाओ, या जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन होगी वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे कर रहे होते, ठीक है, तो वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी जी इसमें एक चीज जो है वो आई एम ऑब्जर्विंग कि जब हम ऐड कर रहे हैं लाइक इंसर्ट कर रहे हैं तो रे साइज पे एज सच को इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, और जब हम डिलीट कर रहे हैं तो सर रे साइज जो हम रिड्यूस हो रहा है, इज इट? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सर। अभी इसका जो साइज, इसकी जो लेंथ थी ना वो हमारे पास थी 8, ठीक है, इसकी जो अभी हमारे पास लेंथ थी वो हमारे पास थी 8, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारे पास 5 रिमूव हो जाएगा ना, ठीक है, अब जैसे ही 5 रिमूव हुआ तो उसकी जो इंडेक्सिंग थी वो मतलब पीछे पीछे चल गई, और जो इसकी लेंथ थी वो हमारे पास 7 हो गई। ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं पाइथन के अंदर बता रहा हूँ, मतलब लिस्ट में हमारे पास ऐसे हो रहा होता है, ठीक है। तो जी सर, आपका हैंड रेज। सर हम जब यहाँ पे क्या कहते हैं एरे को अगर हम क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे इसका वो देते हैं, क्या कहते हैं कि इसमें इतने डिजिट्स होने चाहिए। अभी जैसे इस एरे में हमने बोला कि इसमें 7 डिजिट्स हो ना सर, तो हम जब अगर एक डिजिट को रिमूव करते हैं
तो क्या उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा कोड पे? अच्छा सर, हमारे पास ना जो पाइथन होती है ना, ठीक है, पाइथन के अंदर हम इसकी इसकी जो लेंथ है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। आप लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊँ ना, ये हमारे पास एक पाइथन का कंपाइलर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक अरे बनाई है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास अभी एलिमेंट पड़े हुए 1, 2, 3, 4 पड़े हुए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ना लेंथ ऑफ अरे, तो आप सारे देख सकते हैं कि जो इसकी लेंथ होगी वो हमारे पास ना 3 आ जाएगी। यहाँ पे मैं जैसे इसको रन करूंगा, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 3 आ रही है, मतलब कोई हम यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ अरे डॉट रिमूव करो 1 को, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ 1 को, मैं जैसे ही अब प्रिंट करूंगा ना लेंथ ऑफ अरे, तो वो पूरी रिड्यूस हो गई हो, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए उससे पूरी 2 कर दी, मतलब हमने यहाँ पे कुछ भी ज्यादा काम नहीं किया ना, हम अरे की लेंथ स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे पहले 3 एलिमेंट्स आपको प्रिंट करके दिखाए, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से 1 को रिमूव किया, तो यहाँ से अब लेट्स सपोज हमारे पास 1 खत्म हो गया, तो जब अब इसकी लेंथ थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी 2, तो उसने यहाँ पे हमें 2 प्रिंट कर दी, ठीक है। तो इसकी मतलब जब एक्सक्यूज हम मी सर, उसकी लेंथ स्पेसिफाई नहीं कर रहे। जी, सर बेसिकली पाइथन में डायरेक्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, इसी तरह कर रहे हैं सर ये जी पाइथन में? जी क्योंकि लेकिन सी प्लस प्लस में हमें ट्राइवर्स करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि वो एक जगह खाली होगा तो वो खुद ब खुद तो नहीं आएगा। अरे हमें उसी की जगह खाली करने के बाद अच्छा, सारी इसके एलिमेंट्स हम आगे को जाके देखेंगे कि हम जी, हम आगे जाके देखेंगे कि अगर हमारे पास बिल्ट इन मेथड नहीं होती तो हम कैसे रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको साथ साथ बिल्ट इन मेथड का बताता रहूंगा कि अगर हमारे पास बिल्ट इन मेथड ये नहीं है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए मतलब आप ये देख कह सकते हैं कि हम 2 रिमूव से इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? यस सर, मेरी क्लियर। यस सर, ओके क्लियर। ओके, तो आगे हम चलते हैं अरे सर्च के ऊपर, आई थिंक मैम ठीक रीमा है। का भी मतलब क्वेश्चन है। तो हमारे पास अच्छा, तो ये वॉइस डिस्टोर्शन हो रही थी, ये मेरी तरफ इंटरनेट का इशू है या मतलब? नहीं सर, वैसे वॉइस रिस्ट्रक्चर। हेलो सर, मेरा सिस्टम ओके है। जी मैम, आप अपना क्वेश्चन चैट में लिख लें। ओके, तो अच्छा अब आगे चलते हैं अरे सर जी। मैम आपका हैंड रेज सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे रिमूव वाले मेथड हम यूज कर रहे हैं तो उसमें लेंथ तो कम हो गई है, तो इंडेक्सिंग क्या वही सेम रहेगी जो पहले वाले थी, ओरिजिनल अरे की थी, या फिर इंडेक्सिंग भी चेंज होगी? मैम, बिल्कुल उसकी इंडेक्सिंग भी चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में आपको बताया था कि जैसे ही हमारे पास जब हमने इंसर्ट किया, जो कि इंडेक्सिंग यहाँ पे हमारे पास थी ना, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने आपको जब बताया था कि जब हमने 8 को इंसर्ट किया 0 इंडेक्स पर, 8 की जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 हो जाएगी, 1 की फिर यहाँ पे 1, 2, मतलब वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो हमें कुछ भी खुद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद ब खुद उसकी इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। मतलब अगर चलिए हम कुछ जैसे मैम, रिमूव कुछ रिमूव जी कर जी रहे हैं तो उसमें जो इंडेक्सिंग है वो रिड्यूस हो जी जाएगी? आई थिंक मैम का इंटरनेट इश्यू है, या फिर मैम अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगी आप? मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे हम लोग कोई चीज रिमूव कर रहे हैं, कोई एलिमेंट मूव कर रहे हैं अरे से, तो क्या इंडेक्स रिड्यूस हो जाएगा या सिर्फ चेंज होगा? रिड्यूस हो जाएगा मैम जैसी उसकी लेंथ है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे डिलीशन के अंदर हम आते हैं, अब मैंने लेट्स सपोज यहाँ से 5 को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उसकी इसकी तो इंडेक्सिंग जो थी, अभी इसकी इंडेक्सिंग थी 5, राइट, इसकी थी 6, इसकी थी 7। अब जैसे ही मतलब ये रिमूव हुए, इनकी इंडेक्सिंग भी मतलब पीछे को चले गई, 6 की इंडेक्सिंग होगी यहाँ पे 4, 7 की होगी 5, और 8 की होगी 6, ठीक है। तो मतलब ये खुद ब खुद चेंज होगी, रिड्यूस हो गई है, राइट। यस सर, ओके। ओके, तो मैम रीमा का एक क्वेश्चन है चैट के अंदर कि अगर नहीं जी, नहीं सर, आप अच्छा कोई मैम नहीं, कंटिन्यू। ओके, तो मैम रीमा का क्वेश्चन है कि अगर अरे की कैपेसिटी डिफाइन कर लें और उसके बाद इंसर्ट करें कोई एलिमेंट, तो ये पॉसिबल है? नहीं मैम, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब हमने अरे की कैपेसिटी को ही डिफाइन कर दिया तो हमारे पास वो पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से जो इंसर्ट वगैरह के मेथड्स हैं, ये सी प्लस प्लस या जावा के अंदर है ही नहीं है।
ठीक है, वो भी पाइथन के अंदर आए, क्योंकि वहां पे हमारे पास लिस्ट होती है, वहां पे हमारे पास अरे नहीं होती, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके अच्छा, अब हमारे पास लास्ट आता है अरे सर्च, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने 7 को सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने अपनी एरिया के ऊपर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ट्रैवल करेंगे और वन बाय वन चेक करते रहेंगे कि क्या ये इक्वल हैं दोनों। अगर इक्वल हैं तो मतलब जो भी हमारी कंडीशन होगी उसके हिसाब से वो मतलब परफॉर्म कर लेंगे हम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ अरे, तो इसकी इसको मैं एलोबरेट बाद में करूंगा जब हमारा अरे का टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको मैं मतलब बिल्कुल समझाऊंगा, ऐसे अगर मैं समझाऊंगी तो आपको ये समझ नहीं आनी। अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो हम म्यूजिक सुनते हैं या जो हम वीडियोस देखते हैं उसके अंदर हमारे पास अरे यूज हो रही होती है, ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा अरे का, जब हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि ये हमारे पास कैसे वर्क कर रहा होता है, कैसे हमारे पास डेटा जाके स्टोर हो रहा था, तो आपको एक बिग इमेज माइंड में मिलेगी, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं आपको समझाऊंगी तो ये आपको इतनी डेप्थ में समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो स्लाइड्स वगैरह में तो वो पूछ सकता है, वरना हम लीड कोड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अलैक्म सर, वालेकुम सलाम। सर ये लिस्ट और अरे एक ही चीज होती है? नहीं सर, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अरे और लिस्ट के अंदर जो डिफरेंट है वो पता डिफरेंट पता क्या है, जो अरे है ना उसके अंदर हम उसकी लेंथ स्पेसिफाई करते हैं। लेंथ स्पेसिफाई का मतलब ये है कि हम पहले बता देते हैं कि अरे के अंदर 8 एलिमेंट्स आने हैं, लेट्स सपोज 10 आने, ठीक है। लेकिन लिस्ट के अंदर हम बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते कि 8 एलिमेंट्स आने या 10 एलिमेंट्स आने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो इसका एक मतलब हमारे पास ना आप कह सकते हैं कि मेन डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, उसके बाद जो अरे है ना उसके अंदर, अब लेट्स सपोज मैंने कि यहाँ पे अरे बनाई है, अरे के अंदर सेम डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। सेम डाटा टाइप का क्या मतलब है कि अगर मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू से स्टोर कर सकता हूँ, अगर स्ट्रिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ स्ट्रिंग कर सकता हूँ, या फिर अगर बुलियन कर रहा हूँ तो सिर्फ बुलियन कर सकता हूँ। लेकिन लिस्ट के अंदर हमारे पास ऐसे नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैं एक ही टाइम पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू भी, इंटीजर वैल्यू भी और बुलियन वैल्यू भी, ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर। ओके तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके अच्छा, तो आप ऐसे कोई जिस जिसको अरे के बारे में थोड़ा सा पहले नॉलेज है कि हम इसके अंदर इंडेक्सिंग कैसे कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, कैसे इसके अंदर ट्रेवर्स कर रहे होते हैं, तो वो काइंडली अपना हैंड रेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इसके लिए आईडी कौन सा यूज करेंगे? आईडी है कुछ भी नहीं सर, एक वेबसाइट है लीड कोड, ठीक है। आपने जाके सिर्फ लीड कोड डॉट कॉम यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, तो वो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। आपने वहाँ जाके लॉग इन या साइन अप, जो भी अगर आपने साइन अप किया हुआ पहले तो लॉग इन कर लें, अगर नहीं किया हुआ तो आप साइन अप कर लें। तो वहाँ पे हमारे पास ना क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप जब अपना बना लेंगे ना, तो ऐसा आपको इंटरफेस अपनी आईडी वगैरह का शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शो होते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलता है आपने कितने इजी किए, कितने मीडियम किए, कितने हार्ड किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पोर्शन होता है प्रॉब्लम्स का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स के अंदर आए, ठीक है। एक मिनट, ये इस पर मेरा इंटरनेट स्लो है। ऐसे ही आप प्रॉब्लम्स के अंदर आए तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स शो हो रही होती हैं, तो वो आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। थोड़ा नेट का इशू है, एक मिनट। ऐसे सर प्रैक्टिस के लिए लाइक अगर हम जो है पाइथन का यूज कर रहे हैं उसका, या ये डायरेक्ट किसी भी कर सकते हैं? इस पे ज़्यादा सर इस पे ज़्यादा ये दिए मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं, लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, तो आपको ये समझ लग जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो पहले मैं मतलब सिंपल एक कंपाइलर है हमारे पास, पाइथन कंपाइलर प्रोग्राम इसके नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मतलब ये सारा इनपुट लेके वहाँ चल जाया करूँगा और वहाँ पे आपको करवा दिया करूँगा। वैसे ये भी सर ईजी है, आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट लगता है लेकिन बाद में इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स के सेक्शन में ना कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पे टैग्स पे आना है,
आप यहाँ पे मतलब कोई भी किसी भी स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मतलब आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अरे के करने हैं तो आप अरे के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको जो भी क्वेश्चन शो हो गए ना वो सारे हमारे पास अरे के होंगे, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। सर तो यहाँ पे लीड करते हमें मीडियम पावर और जो इंडिका है वो कैसे पता चलेगा? जी मैम क्या कह रही हैं आप? आपकी सॉरी वॉइस क्लियर। जब हम आते हैं तो वहाँ पे एक पावर क्वेश्चन होते हैं मीडियम और जो है इजी होते हैं, तो फिर हमें सर कैसे पता चले कि इजी कौन से, लाइक हमारा अभी शुरुआत है अच्छा तो हमें ये पहले देखिए इजी जी, तो आप यहाँ से आगे ना अपनी डिफिकल्टी भी मतलब सेट कर सकती हैं, ठीक है। अभी अभी हार्ड है, आप इसको फिर क्लियर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप सिर्फ इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आगे ये सारे इजी क्वेश्चन है, और ये सारे जो इजी क्वेश्चन है ना ये हमारे पास ना अरे के हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको मतलब स्टार्टिंग में बहुत इजी होगा, जो मैंने आपको भी सारे कंसेप्ट बताए हैं ना, इस सर्च का, ये रिमूव एलिमेंट का, रिमूव एलिमेंट्स का, तो ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये आपको बड़े इजी लगेंगे। आप ये कर सकते हैं यहाँ से आगे, इजी है। उसके बाद मतलब आगे आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो ये एक है सर। सर मुझे आपसे कुछ पूछना जो था। वालेकुम सलाम सर ये जी, जो आपने अभी अपनी लीट कोड खोला था ना, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व की थी साइट पे, तो आ रहा था कि मेंशन हो रहा था कि आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और आपने वो जब ना वो मतलब कि वहां पे दोबारा से एक पूरा अकाउंट सा खोला था, उधर उधर पे शो हो रहा था, लेकिन मेरा अकाउंट पे शो नहीं होता, साइट पे शो हो जाता है जी लीट कोड की प्रॉब्लम्स, वहां पे वो जीरो सॉल्व देते हैं। इसका मुझे एक्चुअली मतलब पता नहीं है कि मतलब ऐसे क्यों होता है। आप दोबारा एक दफ़ा लॉग आउट करके ना लॉग इन करें, या फिर आप मतलब इग्निटो मोड में एक दफ़ा ऑन करके देख लें। अक्सर हमारे पास ना ब्राउजर वगैरह का भी मसला होता है, मेरे पास भी अक्सर मेरा लीट कोड प्रोफाइल नहीं खुल रही होती। या आप ऐसा करें कि हिस्ट्री अपनी बिल्कुल रिमूव करके देखें, दोबारा करें तो शायद हो जाए, ठीक है। सर मैंने इसको रीसेट करने की कोशिश की, तो वो रीसेट करने पे कहते हैं कि वो ना मतलब सब कुछ पैक चला जाएगा, प्रॉब्लम अनसॉल्व अनसॉल्व हो जाएंगे जो हमने सॉल्व की। अच्छा आप एक दफ़ा ऐसा करें, हिस्ट्री वगैरह रिमूव करके दोबारा करें, मे बी हो जाए ओके सर। जी। जी सर रियाना आपको आपका क्वेश्चन है। मैम अरिसा आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मेरी वॉइस क्लियर है आप सर सबको? सर आई थिंक जी मतलब सर, मेरी वॉइस पहले किया था फिर दोबारा लोड नहीं किया जब आपने एरे का पूछा था सर। ओके अच्छा सॉरी मैम। ओके तो हम आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा इसका बेसिक सा देख लेते हैं कि हमारे पास अरे कैसे हो रही होती है। मैंने यहाँ से एक अरे कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट्स को स्पेस कर ली, ये अब मेरे पास यहाँ पे एक अरे बन गई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ट्रैवर्स करना है ना, तो मैं ट्रैवर्स कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा लूप, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा। अच्छा तो आप लोग फैमिलियर होंगे वैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एन के अंदर इसकी लेंथ को स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया कि फोर आई इज रेंज एन, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ नाम्स ऑफ आई को, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो मेरे पास एलिमेंट्स है वो वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो गए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऐसे हम अरे के अंदर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। अब एन के अंदर मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ नम्स को स्पेसिफाई कर दिया, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा ये हमारे पास जो लूप है वो हमारे पास कितने टाइम्स चले, वो हमारे पास 4 टाइम्स चले, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने जो एलिमेंट्स हैं नम्स के अंदर उसको प्रिंट करवाते जा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। रनिंग सम ऑफ 1D अरे, ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं है। जब मैंने लीड को अपना नया नया स्टार्ट किया था, ये मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन खुद किया था। अच्छा तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसको सोल्व करने की हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसकी स्ट्रेटेजी हमारे पास ये होती है कि हम पहले अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ें, जो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया होता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करें, ठीक है। अक्सर हम ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव कर लेते हैं, हमें समझ भी आ जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से क्लूज होते हैं इन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करना लाजमी है। अच्छा हम यहाँ पे आप देखते हैं, उन्होंने हमें कहा है कि गिवन एन अरे नम्स, उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पे आपको एक नम्स ऑफ अरे गिवन है,
ठीक है, सिंपल यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वी डिफाइन आर रनिंग सम ऑफ एन अरे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हम रनिंग सम ऑफ अरे क्या कहते हैं, कि एस रनिंग सम आई इज इक्वल टू सम सम से लेकर 0 से लेकर नम आई तक। अच्छा, अभी तो हम इसकी इतनी समझ नहीं आई। रनिंग सम पता क्या होता है? रनिंग सम आप ये इस तरह से ले सकते हो कि हमारे पास ना जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं ना, उसका मतलब साथ साथ हम सम ले रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं रनिंग सम। अच्छा, अब रनिंग सम कैसे, कि हमारे पास पहले एलिमेंट आया 1 है, हमने 1 रख लिया अपने पास, फिर हम जैसे ही 2 के अंदर गए तो हमारे पास 2 से पीछे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 और 1, तो 2 और 1 हमारे पास आता है 3, हमने 3 रख लिया। फिर जैसे ही हम 3 के ऊपर गए, अब 3 से पिछले हमारे पास आ रहा है 1 2, 1 2 हमारे पास आ रहा है 3, और 3 3 हमारे पास कितना होता है 6, हमने 6 रख लिया। फिर जैसे ही हम 4 के ऊपर गए, तो 4 के पीछे हमारे पास था 3 6, और 6 + 4 हमारे पास हो गया 10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है, इसको हम कह रहे होते हैं रनिंग सम। ओके अच्छा, अब यार जैसे हमारे पास हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं, अब उन्होंने एग्जाम्पल्स के अंदर ना पहले एग्जाम्पल तो देख लिया, अब हम इसको देखते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल्स के अंदर हमें दिया हुआ है 1 1 1। अच्छा, रनिंग सम मैंने आपको बता दिया कि हम जैसे जैसे ट्रेवल्स कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके पीछे सारे एलिमेंट्स का हम ले रहे होते हैं सम। अब मैं जैसे ही मैं पहले एलिमेंट के ऊपर पहुंचा, मैं यहाँ पर पहुंचा 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट पर, इससे पीछे तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो मतलब मुझे इसका सम वैसे ही लेना पड़ा, इसका सम हमारे पास 1 वैसे ही आ गया। फिर मैं जब आगे मूव किया, तो अब मेरे पास ये 1 भी था और ये 1 भी था, तो इस इन दोनों को मैंने प्लस करके अपने पास 2 रख लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको 2 रख लिया। उसके बाद जब मैं आगे मूव किया इसके ऊपर, अब मुझे पता है मेरे पास पीछे 2 एलिमेंट्स पड़े, मैंने इनका तीनों का सम लिया, मेरे पास 3 आ गया। ऐसे ही मैं आगे आगे जाता रहा, तो मेरे पास मतलब इसको हम कहते हैं रनिंग सम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास पहला एलिमेंट आया 3, हमने 3 को वैसे ही रख लिया। फिर जैसे ही हम 1 के ऊपर गए, हमने इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दिया, 4 आ गया। फिर जैसे हम 2 के ऊपर गए, फिर हमने 2 1 और 3 इन तीनों को प्लस किया, और 6 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे गए, हमारे पास आया 10, अब हमने इन इन चारों को प्लस किया, 10 और 6 हमारे पास आ गया 16। फिर जैसे ही हम लास्ट के ऊपर गए, हमारे पास आया 1, और हमने फिर सब एलिमेंट्स को प्लस किया, हमारे पास आ गया 17, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उस अरे को रिटर्न कर दिया। अच्छा, तो क्वेश्चन की आप सबको समझ आई? ओके, तो किसी के माइंड में कोई अप्रोच आ रही हो, ये मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सर, अभी अभी सॉल्व किया सर। मैं शेयर करूं सर? जी जी हम आप इसमें लूप बता सकते हैं कैसे सॉल्व होना? लगाएंगे, एक्सक्यूज मी सर, लूप लगाएंगे और हमेशा प्रीवियस सम को स्टोर कर लेंगे, और जी जब भी प्रीवियस के समय हम नेक्स्ट वाले डिजिट का सम कर दिया करेंगे जस्ट, और एरे के दर्पण करवाते चलेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ही ऐसे होगा, ठीक है। कि लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको समझ नहीं। अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के ऊपर यहाँ पे ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे पहले पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना टेम्परेरी टेम्प के नाम से, या टेम्परेरी सम, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टेम्परेरी टेम्प से ले लेता हूँ, एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसके अंदर अभी मैंने 0 स्टोर करवाया। अब इसके अंदर हम अपने सारे एलिमेंट्स का ना सम अभी रखेंगे, और बाद में उसको एक अरे के अंदर अपेंड करवा देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी अरे ली, ठीक है, मतलब इसके अंदर अभी मैंने कोई एलिमेंट नहीं रखा। ये मैंने क्यों यहाँ पे इनिशियलाइज कराई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन सब का सम रखना है, रनिंग सम यहाँ पे स्टोर करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने ट्रेवल्स करना है अपनी इस अरे के ऊपर, मतलब मैंने अपनी इस अरे के ऊपर ट्रेवल करना है, और मैंने इन सबको प्लस प्लस कर ही जाना है, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। अब मैंने सबसे पहले इस अरे के ऊपर ट्रेवल्स किया, फॉर आई इन नम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि टेम्प प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अरे के अंदर अपेंड करवा दिया इस टेम्प को। मैं इस कोड को ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास कैसे काम हो रहा है। मैं एक दफ़ा ही कोड लिख दूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो जो हमारे पास डिजायर्ड आंसर है, वो हमारे पास आ रहा है 1 3 6 10, जो कि यहाँ पे हमारे पास आंसर था। ये इसका इतना छोटा सा कोड था। अच्छा, ये हमारे पास कैसे हो रहा है? अभी ये तो हमारे पास इनपुट है, आपको पता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका रनिंग सम फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे टेम्प के नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने इनिशियली अभी 0 स्टोर किया है। इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 0 है। अच्छा, ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रनिंग सम को स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अरे बनाई इनिशियलाइज की, जिसकी अब जो कि अभी एम्प्टी है। ये मैंने एम्प्टी क्यों रखी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अपने जो भी मेरे पास रनिंग सम आ रहा है, उसको मैंने यहाँ पे अपेंड करवाना है। अपेंड का मतलब आप ये कह सकते हो कि मैंने इसके अंदर पुट कर
अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी इस अरे के ऊपर ट्रेवर्स करना शुरू किया। मैंने कहा फोर आई इन नम्स, मैंने इसके ऊपर ट्रेवर्स करना शुरू किया। मेरे पास पहले एलिमेंट आया वन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने टेम्प के यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ था जीरो, मैंने कहा कि जीरो के अंदर प्लस कर दो वन। मैंने जैसे जीरो के अंदर प्लस किया वन को, मेरे पास आ गया वन, राइट। अभी मेरे पास टेम्प के अंदर स्टोर हो गया वन। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अरे के अंदर इंसर्ट कर दो इसी वन को। जब उसने अरे के अंदर इंसर्ट किया वन को, अरे हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जब एट्रेशन चली ना, जब हमारे पास दूसरी एट्रेशन चली, एक मिनट मैं स्क्रीन कर लूँ। अब जो हमारे पास टेम की वैल्यू है ना इस टाइम, वो वन है, ठीक है। अब जब हमारे पास दूसरी एट्रेशन चली, हमारे पास आया टू, मैंने टेम्प के अंदर टू को भी प्लस करवा दिया। वन प्लस टू हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है थ्री। और फिर मैंने इस थ्री को क्या किया, रे के अंदर पुट कर दिया। ये देखिए इसी लाइन के थ्रू, जब थ्री भी रे के अंदर पुट हो गया, यहाँ पे भी आ गया थ्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिर अट्रेशन चली, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया थ्री के ऊपर। अब हमारे पास जो टेम्प था वो उसके अंदर हमारे पास था थ्री। जब थ्री प्लस थ्री हुआ, मैंने यहाँ पे इस टेम्प को प्लस करवाया अपनी जो वैल्यू थी नम्स के अंदर, तो वो हमारे पास हो गया सिक्स। उसी फिर मैंने सिक्स को पुट कर दिया अपनी इस अरे के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिक्स आ गया। जब हमारे पास लास्ट इटरेशन चली, हमारे पास आया फोर, राइट। तो उसके बाद हमने फोर को क्या किया, मैंने फोर को प्लस करवाया अपने इस सिक्स के साथ, तो उसकी वैल्यू होगी टेन। और उस मैंने फिर टेन को करवा दिया अपनी अरे के अंदर अपेंड, जो कि फिर उसके बाद हमारा डिजायर्ड आंसर था वो हमें मिल गया। इसी तरह हमारे पास बाकी एग्जाम्पल्स के अंदर काम और, ठीक है। तो अब इस कोड को मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ। अच्छा, तो उससे पहले किसी को क्वेश्चन की समझ ना आई हो, या अप्रोच की समझ ना आई हो, या कोड की समझ ना आई। सर मुझे ना आपकी अप्रोच समझ में आई है। सर मेरा ना बेसिकली पाइथन में भी सेकंड क्लास है और ये इसकी भी सेकंड क्लास है, तो मुझे ना आपने जो अभी प्रोग्रामिंग में की वेबसाइट पे जो प्लस इक्वल टू का जो ऑपरेटर यूज़ करा था ना वो बता दें और अपेंड का बता दें। अच्छा, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस आई, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, तब भी हमारे पास वही आंसर आएगा। आप एक मिनट देख सकते हैं, ठीक है, तब भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है। वो एक शॉर्ट फॉर्म थी, और जो अपेंड है ना, ये हमारे पास अरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को पुट करने के लिए यूज हो रहा होता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे आगे जब आप पाइथन पढ़ेंगे ना, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पास अपेंड का मेथड है ना, वो हमारे पास अरे के लास्ट में एलिमेंट को पुट कर रहा होता है, ठीक है। जी सर, मुझे आपकी अप्रोच भी समझ में आ गई। थैंक यू। नो इशू, ओके, हम आगे चलते हैं। इसके यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोड लिखते हैं इसका, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक काउंट के नाम से एक वेरिएबल, टेम्प के नाम से कलो एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मेरे पास जीरो पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको इससे अगर फैमिलियर है तो ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि आपको एक इनपुट दी हुई है नम्स के नाम से, उसके अंदर हमारे पास लिस्ट वैल्यू है, मतलब वो हमारे पास अरे है, और अरे के अंदर इंटीजर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं नम्स का नाम चेंज कर दूँ ना, तो मैं यहाँ पे मतलब इसका भी आप कह लें कि यहाँ पे अब नाम चेंज हो चुका है। जब अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब इसको यूज करना चाहूंगा ना, तो मैं उसको नम्स के साथ यूज करूंगा, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी आपको पता है डेफ का हमारे पास फंक्शन बना हुआ है रनिंग सम के नाम से, तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं है सिंपल। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस अरे के अंदर ट्रावर्स किया, मैंने कहा कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस आई, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा, एक मैंने यहाँ पे अरे इनिशियलाइज की, जो कि अभी फिलहाल एम्प्टी है, और उसके बाद मैंने अरे के अंदर अपेंड कर दिया अपने टेम्प को। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिटर्न करना है अपनी अरे को। रिटर्न का मुझे क्या करता है कि मतलब इस अरे को रिटर्न कर दो, ये हमारे पास हमारा आंसर है। अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो ये मेरे पास एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबमिट भी हो रहा है, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन तो वो पूछ सकता है। अभी हमारे पास 5-7 मिनट रहते हैं हम। जी, एक्सक्यूज मी सर, सर अभी आपने इसमें तो एरे डायरेक्ट अपेंड यूज़ किया, लेकिन हम सी प्लस प्लस में करेंगे तो हम वेक्टर यूज़ करेंगे सर, क्योंकि ये सही है ना सर, क्योंकि एरे में तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट मेथड के जरिए उसको इंसर्ट कर सकें। वेक्टर में है कि हम पुश ब्रेक करके जरिए उसको पुश कर देंगे वेक्टर में। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम सी प्लस प्लस में पुश यूज करेंगे, बिल्कुल सर, सही कह रहे। ओके सर। ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो चलिए अपने वो अस्सलाम वालेकुम।
सर यहाँ पे जो गलत जी सोल्यूशन डिफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, इसको जरा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में सर। किसका सर? सर बिल्कुल जो कोडिंग स्टार्ट से है ना, गलत सोल्यूशन है, किसका? डिफिनेशन है, रनिंग टाइम, ये अच्छा, लाइन ये नंबर हमारे वन और पास टू दोनों पाइथन की गलत तरह है। आपने थोड़ा सा पाइथन पढ़ी होगी। अच्छा, ये आपने थोड़ी सी पाइथन अगर सीखी है तो ये हमारे पास एक फंक्शन बना होगा, ठीक है, और फंक्शन के अंदर हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं, तो ये हम मतलब यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। तो ये आप थोड़ा सा पाइथन पढ़ेंगे ना? सर जुबैर ने ना सर जुबैर जफर ने एक क्लास दी हुई है पाइथन की, क्रैश कोर्स की, वो 2-3 घंटे के की है, और उन्होंने ऑलमोस्ट सारी पाइथन कोर्स के अंदर कवर किया जो उसके मतलब कोर कॉन्सेप्ट हैं। वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा स्लैक चैनल में, तो आप सब लाजमी जो कि पाइथन से फैमिलियर नहीं ना है और मतलब वो थोड़ा सा इसका आइडिया लेना चाहती हैं, तो वो वीडियो देख ले तो वो काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये ले सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों एक्सक्यूज मी सर? सर, डिफाइन ये फंक्शन। सर ये फंक्शन में जो आपने लिस्ट इंट लिखा है उसके बाद सर ये एरो का क्या मीनिंग है, ये क्या इसका क्या मतलब है? तो ये एक्चुअली मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये अगर हम किसी भी लैंग्वेज वगैरह में चले जाएं तो उसका अपना ही होता है। जैसे मैं जावा में जा रहा हूँ तो इसका अपना ही है क्लास सॉल्यूशन पब्लिक इंट, ठीक है, तो ये हर लैंग्वेज का अपना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नम्स है हमारे पास, एक नम्स के नाम से इनपुट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे नम्स नम्स चेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ से भी इसको चेंज करना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेंज नहीं ना करा, तो आप ये देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एरर देगा। एक मिनट, ये कह रहा है कि नम्स इज नॉट डिफाइंड, कि मतलब नम्स के नाम से कोई इनपुट ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको नम कर रहा हूँ तो वो मतलब ठीक हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास नाम है वो है, और यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करता है कि जो हमारे पास नम है वो हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर इंटीजर टाइप्स की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो जी ये सर, उसके तो बाद उसके आगे सर जो ये सर ये एरो, जी आई थिंक ये अरे एरो फंक्शन है, ठीक है, तो इसका भी आप इतना इसको ना देखें, मतलब आप यही कह सकती हैं कि सर 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 आप अरे रिटर्न कर रहे हैं, वो यही बता रहे कि फंक्शन है, उसके बाद रिटर्न जो करेगा लिस्ट इंटीजर टाइप की लिस्ट, वो अरे को रिटर्न करेगा। ओके अच्छा ठीक। ओके, कि तो सर सर ये ये लिस्ट सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं पाइथन, टाइप की। जी, सर सर ये ये सिर्फ लिस्ट रिटर्न। पाइथन, सॉरी सर मैंने कहा जी जी सिर्फ ये मैम, पाइथन में ये एरो यूज करते हैं या ये नहीं, ये एक तरह से आप कह रहे हैं ना रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे, तो ये सिर्फ नहीं पाइथन में या अदर लैंग्वेजेस में भी? सिर्फ सिर्फ पाइथन में ये होता है, तो अलग लैंग्वेजेस का आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे C++ का और है, जावा का ओके और है, ठीक है, तो समझ सबका आया, अलहदा होगा। सर ठीक मैं ठीक यहाँ सर, पे एक पॉइंट थैंक यू। ऐड करना चाहता हूँ, जिन लोगों को मसला हो रहा है ना कि C++ में हम करें पाइथन में करें, वो ऐसा करें कि जिनको अब C++ में बेसिक उनके स्ट्रॉन्ग है ना, वो सिंपली चैट जीपीटी पे जाएं, उन्होंने बता चैट जीपीटी पे वो एक लिखें कि मैं भाई के एक C++ का डेवलपर हूँ, तो नाउ मैं अब पाइथन में स्विच करना चाहता हूँ, तो मुझे ना कुछ बेसिक सेंटेक्स बता दो। सिर्फ आप सेंटेक्स पे गो थ्रू कर लें, एक दफा सिर्फ नजर फेर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि C++ में कैसे यूज कर रहे थे हम और पाइथन में। फिर जब आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे ना पाइथन के साथ, तो आपको एक और भी 100% समझ आ जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट तो वही होने हैं, फॉर लूप का जी वही है सारा कॉन्सेप्ट, और इफ एल्स कंडीशन वही है, तो आपने सिर्फ सेंटेक्स का फर्क है, वो आप चैट जीपीटी पे जाएं और वहां जाके ना थोड़ा सा वहां से गो थ्रू कर लेंगे, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली मुझे भी पाइथन का आइडिया नहीं था, मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी थी, मैंने यहाँ पे W3 School एक वेबसाइट है वहाँ पे जाके खुद ही मतलब इंप्लीमेंट करके देखी थी, और मैंने इसे 2 या 3 दिनों में देख ली थी, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे आके भी आप देख सकते हैं, तो ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके अलावा आई थिंक मैम रीमा का क्वेश्चन था, आई थिंक के हम लीड कोड के क्वेश्चन आप मुझे पहले बता रहे, तो आप ये देख सकती हैं मैंने यहाँ पे एक लीड कोड स्टार्टर किट के नाम से मेरी रेपोजिटरी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना सारे क्वेश्चन वगैरह स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो आप कह सकती हैं कि मतलब इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और देखें आज मैंने मतलब जैसे ये रनिंग सम ऑफ 1D अरे बताया, तो या इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं। ये वो मतलब आप अगर आप क्वेश्चन वगैरह आपको नहीं मिल रहे हैं बिगनर्स के लिए, कोई मुश्किल मिल रहे हैं, तो तब भी आप इस रेपो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन रखे हैं जैसे जैसे मैं सोल्व करता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे भी मसला आता था, आप सबको भी थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन डिसहार्ट नहीं होना, तो लेकिन जैसे जैसे आप मतलब इसी क्वेश्चन को अगर आप फॉलो कर लेना तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। और ये मतलब मैम आप वहां कह पे सकते हैं एड्रेस जी, और आप ये कह सकते हैं कि मतलब मैं एक इजी क्वेश्चन की तरफ से आगे मीडियम की तरफ गया हूँ, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो
पूछ सर मेरा क्वेश्चन सर, है, मैंने मैंने आप कब से पूछना था। कंटिन्यूस किया जी जी मैम, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सर, मैंने पूछना था जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं, ये जैसे एक अप्रोच से आपने सॉल्व किया है, एक से मैंने किया है, एक मैंने चैट में शेयर भी किया, सिर्फ वो कॉम्प्लेक्सिटीज का फर्क आ जाएगा, तो ये अच्छा मल्टीपल तो अप्रोचेस अच्छा हम नहीं सर, क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ, जी, मल्टीपल वेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने गए, तो हम इसको लीट कोड में कैसे मैनेज करते हैं, यानी फ्यूचर पर्पस के लिए हम चाह रहे हैं कि दो तीन अप्रोचेस से हम सॉल्व करें, ब्रूट फोर्स से भी, किसी बेटर टेक्निक से भी, अच्छा तो उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं अपने लीड कोड के सोल्यूशन में। तो मैम यहाँ पे ना आपको एक मिल रहा होता है सबमिशंस के नाम से, ठीक है, ये देखें, या आपको नजर आ रहा है, आप सबमिशन पे जाए तो यहाँ पे वो आपको आपकी सारी सबमिशन दे देता है। अब वो मुझे सारी सबमिशन दे रहा है कि आपने एक मार्च 29 को किया था, एक अप्रैल 3 को किया था और एक अप्रैल 5 को किया था। अच्छा, ये भी आपको एक अप्रोच है। उसके अलावा आप यहाँ पे जाकर कमेंट आउट करके भी ना, मतलब आप, लेट्स सपोज ये मेरे पास मेरा सोल्यूशन था, आप जैसे इसके अंदर पाइथन के अंदर इसको कमेंट आउट करती है ना, आप इसको पाइथन इसको कमेंट आउट करके रख दें, यहाँ पे आप लिखते हैं कि माई ब्रूट फोर्स सोल्यूशन या कुछ भी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, ब्रूट फोर्स या ऑप्टिमाइज, ठीक है, तो इसको आप रख लें और फिर आगे जाके जो आपका मतलब सही सोल्यूशन, जिसको आप जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उसके साथ आप उसको सबमिट कर दें मैम। सर मैं ठीक भी है, इसमें एक थैंक यू पॉइंट ऐड सर। करना चाहता हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा दो तीन वे अप्रोचेस से लिखा है सोल्यूशन और उसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं कि आप ये, एक मिनट, आप उसमें ऐसा कर सकते हैं, आप ये